मुकेश सहनी की फिसले जुबान, पीएम के 10 साल के कार्यकाल पर या क्या बोल गए, 15,000 कपड़ा बदलने का दावा। नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम 24 बिहार, मैं हूं आपके साथ रिंकी वाजपेयी। लोकसभा चुनाव धीरे धीरे अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है। देश के 94 सीटों पर आज 5वें चरण का मतदान संपन्न हो चुका है। वहीं 6ठे चरण के मतदान के लिए सभी पार्टी के नेताओं के द्वारा चुनावी प्रचार प्रसार शुरू किया गया था। वहीं चुनावी प्रचार के लिए जा रहे वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी की जुबान बयान देते देते एक बार फिर से फिसल गई। मुकेश सहनी ने पीएम मोदी के 10 साल के कार्यकाल को 15 साल बता दिया। मुकेश सहनी ने कहा कि पीएम मोदी ने 15 साल में 15,000 बार कपड़े बदलकर देश घूमने में रिकॉर्ड बना लिया है। लगातार नीतीश कुमार को तो आपने सुना होगा कि नीतीश कुमार की जबान ज्यादातर फिसलती रहती है, लेकिन इस बार वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी की जबान फिसल गई। महागठबंधन में शामिल होने के बाद वीआईपी सुप्रीमो तेजस्वी यादव के साथ लगातार चुनावी सभा को संबोधित कर रहे हैं। इसी कड़ी में सोमवार यानी आज मुकेश सहनी ने पीएम के बिहार दौरे को लेकर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि ठीक है बिहार आ रहे हैं, ठीक है, लेकिन जब 10 साल से पीएम थे तब बिहार क्यों नहीं आए, अब आ रहे हैं तो ठीक है, ये बिहार है, सबका स्वागत करता है, लेकिन हम कहेंगे कि इसके बाद भी वो बिहार आए, भले प्रधानमंत्री नहीं रहे फिर भी बिहार आए। तो ऐसा बोला है मुकेश सहनी ने। तो आपको बता दें मुकेश सहनी की जुबान फिसल गई है। उन्होंने पीएम के कार्यकाल को 15 साल का कार्यकाल बता दिया है। सहनी ने कहा कि पहले पीएम मोदी बिहार पहले क्यों नहीं आए, वो अब जाने के समय क्यों आ रहे हैं, अब तो उनके जाने का समय हो चुका है, अब तो हम लोग दिल्ली जा रहे हैं, दिल्ली अपनी सरकार बनाएंगे। पीएम मोदी को अगर पहले आकर बिहार में रात्रि विश्राम कर लेते तो यहाँ कुछ विकास हो जाता, कई फैक्ट्री खुलवा देते, युवाओं को रोजगार देते, लेकिन चुनाव के समय में दूसरी बार रात्रि विश्राम कर रहे हैं। तो आपने लगातार सुना होगा कि सीएम नीतीश कुमार जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं उनकी लगातार कई मौकों पर जुबान फिसलती रही है, उनकी जुबान बहुत सारे मौकों पर फिसली है, लेकिन इस बार वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी भी छा गए हैं। उन्होंने पीएम मोदी के कार्यकाल को 10 साल की बजाय 15 साल कह दिया है, तो बहुत बड़ी बात बोली है। हर एक आदमी पार्टी का नेता मजबूती से ये बात समझ ले, हम लोगों का रिश्ता लंबा चलना है, मन बना लिए हैं, आने वाला समय में बहुत बड़ी लड़ाई है, सामाजिक न्याय को मजबूत करना है, लालू जी के विचारधारा पे आगे बढ़ना है, गरीब को सम्मान दिलाना है, ये काम करने के लिए हम लोगों को राष्ट्रीय जनता दल के साथ रहना है। तो उस उद्देश्य से पार्टी के सभी नेता काम कीजिए, आगे भी कीजिए, अभी सरकार बनाई और इस संसार में पैसा से भी बड़ा पावर जो है ना, शक्ति जो है ना, पावर में है। पावर है तो सब चीज है, अब पावर नहीं है तो आप जीरो। पावर आपके उंगली से मिलता है, आपके संघर्ष से मिलता है। आज लालू जी संघर्ष किए, मेहनत किए, तब ना आज उनके सुपुत्र पावर में है, डिप्टी सीएम रहे, नेता प्रतिपक्ष है। आज हम लोग आज करेंगे तो हमारा आने वाला पीढ़ी बेहतर जिंदगी जिएगा, और जब आज हम भी नहीं करेंगे तो उनको भी आने वाला समय में बहुत भटकना पड़ेगा। इसलिए सभी को मेहनत करना है, एक एक नेता को, यहाँ पे जितने भी आए सब लोग मजबूती से काम कीजिए। हमारे माननीय विधायक जी भी आए हैं तो हमने वही किया है कि अच्छा उम्मीदवार को दिया, जो राधा मोहन सिंह जी को हरा सकते हैं वही उम्मीदवार हमने दिया। जो स्थानीय सांसद है वो कह रहे थे कि झोला के चक्कर में पड़े हैं, ये वो सब आप सुने होंगे, कहते थे कि निषाद को दीजिए, वो चाहते थे कि उनके लूज बोल हम दे दें ताकि वो आसानी से चुनाव जीत ले। अब बड़ा बड़ा झोला, 10-10 झोला लेके लोग पहुंचने के लिए पटना में तैयार था, और कुछ झोला वाले को तो राधा मोहन जी भेज रहे थे कि कैसे भी जाके ले आइए और चुनाव लड़िए मत, चुपचाप घर में बैठ जाइए, जो हम बाद में जो खर्चा करेंगे वो अभी खर्चा कर देते हैं। तो हम मलाह का बेटा है, हम चार तरह से मछली मारते हैं, हम जाल में फंसते नहीं है, फंसाते हैं। एक तो बंसी लगा के मछली मारते हैं, दूसरा दोनों जाल फेंक के मछली मारते हैं, और तीसरा चट्टी जाल जो होता है, इस पार से लगाओ उस पार निकालो, और उसके बाद भी कोई मछली बच जाता है तो पूरा पानी को निकाल देते हैं, जिसको उपछा कहते हैं, सही ना। तो जाल में हम लोग लोगों को फंसाते हैं, जाल में फंसते नहीं हैं। तो कुछ लोग इस तरीके से कोशिश कर रहे थे, तो खैर उनका जो काम था वो कर रहे थे,
हमारे लिए वो विपक्ष है तो उनसे हम क्या उम्मीद करेंगे, वो हमारा विरोधी है तो उनको जो अपना षड्यंत्र रचना है वो रचेंगे, जो उनको काम करना है वो करेंगे। लेकिन आपको क्या करना है ये आपको भी पता है। हर हाल में भाजपा का एगो सीट हार जाएंगे तो उनको नुकसान नहीं होगा, लेकिन वीआईपी के लिए 3 सीट है और यही डिसीजन दिलाएगा कि अगली बार वीआईपी पार्टी कितना सीट पर लड़ेगा और बिहार में वीआईपी पार्टी का सरकार कैसे बनेगा। हमारी पार्टी को तोड़ दिया, विधायक खरीद लिया, उसके बाद हमारी पार्टी को रजिस्ट्रेशन कैंसिल करा रहा था भाजपा वाले ने, लेकिन कैसे तैसे हमने पार्टी का रजिस्ट्रेशन बचाया, लेकिन हमारा चुनाव चिन्ह उन्होंने दूसरे पार्टी को अलॉट कर दिया, उसके लिए भी हमने केस डाला है, कोई सुनने वाला नहीं है। अभी बयान हमने थोड़ा सा टाइट दे दिया तो मोदी जी सुरक्षा वापस ले लिए। तो तमाम जितना वो परेशान कर सकते हैं वो कर रहे हैं, तो इसलिए और वो करेंगे, लेकिन हम झुकने वाले नहीं, हम डरने वाले नहीं। हमने जो लक्ष्य हमने तय किया है, जिसको लेकर आप भी सपना देखे हैं और हमने भी जो सपना देखा वो हम एक न एक दिन पूरा करेंगे। भाजपा भी 2 सीट से 303 पे पहुंचा है, हम भी 0 से यहां तक पहुंचे हैं। 2014 से पहले हमको कोई नहीं जानता था, लेकिन आज पूरे बिहार ही नहीं देश लोग हमें जानने लगे हैं। हमने सरकार बनाया, 2020 में नीतीश जी को हम समर्थन नहीं देते तो बिहार का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं बनते, हमने अपने समर्थन से उनका सरकार बनाया। तो हमने ये सारी उपलब्धि हासिल किया है 75 सालों में, 77 सालों में आज तक किसी ने नहीं किया, क्योंकि किसी ने ये सपना नहीं देखा था और हम और आप मिलकर ये सपना देखे इसलिए साकार किए हैं। आज हमारी मुख्य लड़ाई पार्टी का है कि निषाद को आरक्षण दिलाना है और वह होगा, सिर्फ उसके लिए उस जगह पे पहुंचने की आवश्यकता है, उस जगह पे पहुंचने की आवश्यकता। और उस जगह पे अगर आप लोग हम लोग चाह लेंगे यूपी बिहार झारखंड में जिस तरीके से पार्टी काम कर रही है तो निश्चित तौर पे उस जगह पे हम दिल्ली तक पहुंच जाएंगे। इस देश का घटना देखिए, एक विधायक बनकर मधु कोरा साहब झारखंड का मुख्यमंत्री बन गया, एक सांसद के लेकर रामविलास पासवान जी ने अटल जी के सरकार गिरा दिए। आज आप कल्पना कीजिए, आपके पास 3 सांसद जीत गए और दिल्ली में सरकार बनाने के लिए 3 सांसद की जरूरी है, 2 सांसद की जरूरत है। जैसे बिहार में 4 विधायक का जरूरत था, हमारे सहयोग से सरकार बना तो आपका आरक्षण होगा और कोई गैर कानूनी काम नहीं कह रहे करने के लिए जो समस्या पैदा होगा। जब बंगाल में निषाद को आरक्षण है, दिल्ली में आरक्षण है, तो बिहार में क्यों नहीं होगा? और फिर आप और हमारे पास क्या है? संघर्ष करने के अलावा कोई चारा नहीं है। आज 77 साल बीत गया पूरे बिहार में, आज 40 जिला है, 1 जिला में निषाद का बेटा छोटा नहीं है। आपको पासवान का मिल जाएगा, मुसर का मिल जाएगा, राम का मिल जाएगा, लेकिन निषाद का नहीं मिलेगा क्योंकि हमारे पास उस लेवल का आरक्षण नहीं है। कल अगर निषाद को भी उस लेवल पे पहुंच जाएंगे SC ST में तो हमारा भी समाज का बेटा कलस्तर होगा। तो ये सब फिक्र आपको और हमको करना पड़ेगा। फिलहाल इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को फॉलो करें।